जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा जो पेट में दर्द होता है, चाहे इस पार्ट में होता है, चाहे इस पार्ट में, चाहे इस साइड, दोनों साइड में, तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही डिटेल होता है और बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि मेरा खुद का 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, इतने सारे मेडल्स ला चुका हूँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, हर जगह पे, तो वो सारा बात आपसे शेयर करता हूँ। और खुद का एकेडमी भी है जहाँ पर ये होता है बच्चों को, तो मैं डील किस तरह से करवाता हूँ वो सारा चीज़, वो सारा टिप्स एंड टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। और जो नेशनल इंटरनेशनल धावक यूज़ करते हैं वो सारा टिप्स एंड टेक्निक आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय लिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन आप क्या कीजिए कि अच्छे से देखिए और समझिएगा, तभी इसका आप 100% बेनिफिट ले पाइएगा। चलिए, रनिंग में पेट दर्द बहुत ही आम है, हर एक धावक को इससे झेलना पड़ता है। ऐसा मानिए कि एक स्टेप है, अगर आपका रनिंग परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, आपको दौड़ मारना, इंडियन आर्मी का दौड़ क्वालिफाई करना है, तो एक सीढ़ी है रनिंग में पेट दर्द, इसको आपको पार करना पड़ेगा। हर एक धावक करते हैं और आपको भी करना पड़ेगा। क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना है बताते हैं आगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कारण, किस वजह से ये चीज़ें होती है। अगर आप कारण जान लीजिएगा ना, तो आप वो चीज़ें नहीं कीजिएगा जिसके कारण क्या होगा कि आप रनिंग में अपना 100% दे पाइएगा और आपका जो पेट में दर्द देता है वो चीज़ें नहीं होगी। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि क्या होता है कि चोट लग जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है कि ऐसा चीज़ क्यों ना कीजिए कि चोट ही ना लगे, ठीक है। तो सबसे पहले कारण की जब हम बात करते हैं, रीज़न की बात करते हैं, अच्छे से समझिएगा। सारा रीज़न अच्छे से समझने के बाद आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। ये रीज़न भी जो है ना, ये ट्रीटमेंट का काम करेगा। कैसे, ये सारा चीज़ आप नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। सबसे पहले चीज़ कि खान पान, ठीक है, डाइट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं कि आप क्या करते हैं कि ग्राउंड जाने से 30 मिनट पहले, 40 मिनट पहले एकदम रेल के खा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि भारी भारी है, और जिसके कारण आपका पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप रनिंग करने जाते हैं तो आप जब खाना वाना खाते हैं ना, तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा पहले खाइए। और जब आप ऐसा लगता है कि हाँ कुछ एनर्जी के लिए आपको लेना है, तो आप केला, एक सेब वगैरह, ये सब चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप प्रयोग करके आप रनिंग कर सकते हैं। खजूर हो गया, अंजीर हो गया, सारा चीज़ आप प्रयोग करके सुबह में रनिंग करने जा सकते हैं। कॉफ़ी हो गया, तो ज़्यादा पेट बल्कि भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा आप खाना भी नहीं खाइए। दूसरा चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेना। खाना पीना में मैंने आपको बताया कि पानी बहुत ज़्यादा पी लेना। पानी भी पीने से क्या होता है कि पानी पीने से अगर बहुत ज़्यादा पानी पी गए तो पेट भारी हो गया, जिसके कारण क्या होगा कि एक्स्ट्रा प्रेशर बनने के कारण आपका पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब पानी तो पीना है, लेकिन रनिंग से पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। बहुत, और एक और गलती आपको मैं बताता हूँ, अगर आप पानी नहीं पीते हैं, पानी कम पीते हैं, तो जिसके कारण भी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्यों होता है कि पानी में, जैसा कि आपको पता है, ऑक्सीजन होता है। अब बॉडी जब हम रनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और आप पानी नहीं पीजिएगा तो हमारा हर एक ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लिए, तो जो हमारा लंग्स है वो फूला, जब लंग्स फूला तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो पचकता है। जब हम रनिंग करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जल्दी जल्दी सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, तो डायफ्राम का काम है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर क्रैम्प आ जाता है। पानी की कमी के कारण भी ये चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है, दिन भर का पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ा के रखना, हाइड्रेटेड रहना है आपको, लेकिन साथ ही साथ रनिंग से पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना। तो ये हो गया पहला टिप्स, पहला कारण। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कारण की ना, तो वो ये होता है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, दर्द होना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सीढ़ी चढ़ना है तो दर्द तो होगा। जब आपका क्षमता है आपके बॉडी का, आप सोए हुए हो, आप कभी 4 राउंड 8 राउंड 10 राउंड नहीं दौड़ते हो, और जब आके आप 8 राउंड 10 राउंड लगाते हो तो कुछ तो होगा ना बॉडी में चेंजेस। तो उसी चेंजेस के कारण जो है वो हमारा दर्द स्टार्ट होता है। तो इसको आपको हल्के से झेलना है, आपको रनिंग अपना छोड़ नहीं देना। ये हो गया दूसरा कारण। अगर आप बिगिनर्स हैं तो होता है, कोई दिक्कत डरने वाली नहीं है, 10 दिन 12 दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे कारण की, तो वो यह होता है कि आप ग्राउंड जाके अचानक वर्कआउट का ना इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा हाई रख देते हैं। मतलब ग्राउंड जाते हैं और लगातार सूट पे सूट 400 मीटर एकदम खींचने लगते हैं, 800 मीटर एकदम खींचने लगते हैं, या फिर कोई ऐसा एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्ट विदाउट वार्मअप, एकदम वार्मअप नहीं करते हैं ना स्ट्रेचिंग करते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि प्रॉपर वार्मअप हो गया, कूल डाउन हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, ये सारा चीज़ आप अच्छे से फॉलो कीजिए। रनिंग से पहले जब आप वर्कआउट करने जाते हैं तो आप अच्छे से वार्मअप कीजिए, हल्का स्ट्रेच कीजिए, जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग होता है उसको कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एकेडमी के बच्चे ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो यही जरूरी होता है सही गाइडेंस में वर्कआउट करना, ठीक है, तब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है कि अचानक जाए ग्राउंड में पूरा खींच रहे एकदम रेल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करना। पहले आपको क्या करना है कि प्रॉपर वार्मअप करना है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद ही आपको वर्कआउट करना है। ये हो गया तीसरा कारण। अब आया चौथा कारण। चौथा कारण क्या होता है, वीक एब्डोमिनल मसल, कोर मसल्स आपका बहुत ज़्यादा वीक रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि
आपका पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। रनिंग करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर जो बिल्ड होता है वो झेल नहीं पाता, इसी कारण आपका डायफ्राम में भी दिक्कत आ जाता है और साथ ही साथ पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपके कोर को वर्कआउट करना, और आगे सारा कुछ बताया है, टेंशन नहीं लेने का। और ख़ास करके वो उनमें ज़्यादा होता है जो लोग मोटे होते हैं। जनरली जो लोग का फैट ज़्यादा रहता है उनका एब्डोमिनल जो पार्ट होता है वो वीक होता है, कोर जो होता है वीक होता है, इसके कारण उनके पेट में दर्द होता है। तो आपको वेट लॉस भी करना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा रख के भी आप कंटिन्यू ऐसा रनिंग कर लेंगे और आपका पेट में दर्द नहीं होगा, तो आपको ये भी चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा चौथा कारण। ठीक है, पांचवें कारण की जब हम बात करते हैं ना, तो वो है रॉन्ग पोस्चर में रनिंग करना। रॉन्ग पोस्चर में रनिंग करने से क्या होता है कि हम मान के चलिए आप रनिंग कर रहे हैं सिंपल, और बहुत लोग ऐसे रनिंग करेंगे, बहुत लोग ऐसे करेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है हमारे एब्डोमिनल पार्ट पे, हमारे पेट पे, तो जिसके कारण भी दर्द होता है। अब हम बात करते हैं हमारे छठे कारण की। छठा कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम सांस लिए, देखिए सांस लिए, हमारा जो लंग्स है वो एक्सपेंड हुआ, तो कुछ तो पचका होगा ना, ये फूला, डायफ्राम नीचे गया, फिर क्या होता है जब हम सांस को छोड़ें तो ये फूलता है, फिर ऐसी तरह ये प्रोसेस होते रहता है। जब हम रनिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जैसे कि आपको पता है कि हम रनिंग करने के समय सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी तेज़ होता है, पटापट पटापट पटापट, तो क्या होता है कि डायफ्राम का काम बढ़ जाता है, इसके कारण क्या होता है कि डायफ्राम में क्रैम्प आ जाता है। तो इस ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, इसको आगे किस तरह से डील करना आगे बताएंगे। ये हो गया हमारा छठा कारण। दोस्तों जब हम बात करते हैं हमारे सातवें कारण की ना, तो वो क्या है, इस सांस लेने का तरीका। बहुत लोग क्या करते हैं कि मुंह बंद करके रनिंग करते हैं, इसके कारण क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है अंदर में, और उसके कारण क्या होता है पेट में दर्द स्टार्ट होता है, कभी इधर दर्द देगा, कभी इधर दर्द देगा, कभी छाती के आसपास भी दर्द देगा। तो आपको क्या करना, मुंह बंद करके रनिंग नहीं करना है, सांस लेने का जो बेहतरीन प्रोसेस, जिस तरह से अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, उसी तरह से आपको रनिंग करना है। रनिंग करते करते क्या करना है कि आपको मुंह को भी खुला रखना और नाक को भी खुला रखना है। नाक को तो आप बंद कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आपको मुंह को भी खुला रखना है। मुंह से कम 30% के आसपास सांस लेना और बाकी आपको नाक से लेना है। जब आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जब आप कहीं डूबते हैं तो उसके बाद देखिएगा आप अगर बाहर निकलते हैं तो कितना जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, आप मुंह से भी लेते हैं और नाक से भी लेते हैं। तो रनिंग के दौरान नाक से भी और मुंह से दोनों सांस लेना, क्योंकि रनिंग एक बहुत ही थोड़ा विग्रेस एक्सरसाइज है जहाँ पर हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, जिसके कारण नाक से भी सांस लेना पड़ता है और मुंह से भी। ऑक्सीजन की डिमांड जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ रीज़न थे इसके कारण क्या होती है कि एब्डोमिनल पेन, स्टोमक पेन, जो पेट में दर्द होता है वो होता है। अगर आप ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ नहीं करना है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। कुछ ट्रीटमेंट यहीं से आपको मिल गया होगा और कुछ ट्रीटमेंट आगे जो बताऊंगा वहाँ से मिल जाएगा, तो और मज़ा आएगा। देखिए आगे ट्रीटमेंट क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सा टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले हम ना क्या करते हैं कि तीन भाग में इसको बांटते हैं। रनिंग के दौरान जब आपका पेट दर्द देता है तो रनिंग के दौरान से पहले आप क्या करें, रनिंग के समय आपको क्या दिक्कत हो रहा तो उस समय क्या करें, और रनिंग के बाद ऐसा क्या करें कि अगले दिन आपको वो दिक्कत समस्या ना हो। सबसे पहले रनिंग से पहले, तो पहले कि मैंने आपको बताया कि खाना जो है आपको बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं खाना है और चबा चबा के भी खाना है, और रनिंग से आधा घंटा या फिर 35 मिनट पहले बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। कम से कम अगर आपको प्रॉपर डाइट लेना है, आपको प्रॉपर एक मील लेना है, तो वो कब लेना है, दो घंटा ढाई घंटा पहले लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको प्री वर्कआउट के तौर पर केला वगैरह लेना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ लेना है, खजूर वगैरह, अंजीर वगैरह लेना है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा पानी को अवॉइड करना, और खाना आप दो ढाई घंटा पहले भी खाते हैं ना तो उसको चबा के खाइए। चबा के खाइएगा तो आपके शरीर में अच्छे से लगेगा और रनिंग में मज़ा भी आएगा। दूसरा बात जो मैं आपको बताया, पानी। तो पानी आपको रनिंग से पहले बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, लेकिन दिन भर आपको पानी का मात्रा अपने बॉडी में अच्छे से रखना है, हाइड्रेटेड रखना अपने आप को। ये हो गया पहला, रनिंग से पहले आप फॉलो कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं दूसरे टिप्स की, आपको अच्छे से वार्म अप और डायनेमिक स्ट्रेचिंग करना है। क्या करना है, वार्म अप, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे आराम से वार्म अप कर रहे हैं हमारे एकेडमी के, तो आपको ही प्रॉपर वार्म अप करना है। वार्म अप के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाके चेक कर सकते हैं। और कुछ कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि यहाँ पे स्ट्रेच आता है, जैसा कि आप यहाँ फिर देख सकते हैं एकेडमी के जो बच्चे वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं रनिंग से पहले, तो ये कीजिएगा तो क्या होगा कि यहाँ का मसल जो एक्टिव हो जाएगा, उसको पता चल जाए कि हाँ अब आगे वर्कआउट होने वाला है, तो लोड लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग करने से मसल्स का लचीलापन भी बढ़ता है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, खून ज़्यादा अच्छे से पहुँच पाएगा और सारा वर्क एफिशिएंटली हो पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात आई सबसे मेजर चीज़, रनिंग के दौरान आपको दिक्कत होता है उस समय क्या कर सकते हैं, तो चलिए बताते हैं। रनिंग के दौरान अगर आपको दिक्कत होता है ना, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, कंटिन्यू रनिंग करते रहें। क्यों करते रहें, देखिए हमारा बॉडी है जो एक बहुत अच्छे तरीका से बनाया गया है, हमारे बॉडी में एक स्टेज होता है जब हम रनिंग करते हैं, हमारा बॉडी में लगता है कि अब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारे मसल्स को, हमारा बॉडी को ऐसा प्रतीत होता है कि अब ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारा बॉडी एक स्टेज में चला जाता है। उस स्टेज को कहते हैं हम लोग फिजिकल एजुकेशन के टर्म में सेकेंड विंड, मतलब कि हमारा बॉडी एक
दूसरी हवा का झोंका बॉडी तैयार करता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ फिर से एनर्जेटिक हो गए और फिर से स्टार्ट हो गए। तब बहुत बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि 10-20 चक्कर आपको 25 चक्कर दौड़ना है, या फिर आप उतना नहीं भी दौड़ते हो, 5 चक्कर 6 चक्कर दौड़ना है, तो 2 चक्कर के बाद यहाँ पे हल्का हल्का दर्द देगा, लेकिन आप कंटिन्यू रख देते हैं ना तो फिर ये दर्द खत्म हो जाएगा, आप लगातार दौड़ जाते हैं। तो ये होता है सेकेंड विंड, जिसको हम लोग फिजिकल एजुकेशन के टर्म में बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का एक टेंडेंसी होता है, स्टेज होता है। तो आपको ये चीज़ें करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं देना तो आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू रनिंग करना है, सेकेंड विंड आएगा और आपको हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरी बात जब हम बात करते हैं, वो क्या करना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा देर रुक जाना है या फिर पेस को एकदम स्लो कर देना है। आप थोड़ा तेज़ भाग रहे तो पेस को स्लो कीजिए और उस दौरान लंबा लंबा सांस लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। और ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, पैदल चलिए। पैदल चलने के समय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर दर्द दे रहा है वहाँ पर ऐसे प्रेस कीजिए, स्क्वीज़ कीजिए और सांस लेते रहिए, लंबा सांस लीजिए चलिए, लंबा सांस लीजिए चलिए, फिर स्क्वीज़ कीजिए और स्ट्रेच भी कीजिए, साथ में स्ट्रेच कर लीजिए आगे पीछे। तो ये आप रनिंग के दौरान कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप 10-12 दिन ये चारों चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा ना, तो आराम से सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, आगे सब कुछ मज़ा आने वाला है। तो ये हो गई आपकी रनिंग के दौरान आपको दिक्कत होता है तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रनिंग के बाद आप ऐसा क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो कि आप नेक्स्ट डे रनिंग करने जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचे और थोड़ा कम दर्द दे पेट। पेट तो दर्द देगा, ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा चीज़ बता देंगे और अगले दिन सही हो जाएगा, 10 दिन 12 दिन लगेगा मेरे भाई। और कोई भी चीज़ का प्रोसेस होता है, मैं अपने चैनल पर ये नहीं बताता हूँ कि इस 4 एक्सरसाइज से या फिर 1 दिन 2 दिन वाला सीन नहीं चलता है, लंबा प्रोसेस है, क्योंकि लंबा दिन तक भी टिकना है ना मेरे भाई, समझ रहे हो। तो आप क्या कर सकते हैं, रनिंग के बाद आप अच्छे से कूल डाउन कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, आप आराम से स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये हो गया रनिंग के बाद पहला टिप्स। रनिंग के बाद दूसरा टिप्स आप क्या कर सकते हैं, कोर वर्कआउट पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। कोर वर्कआउट पे आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन आप कोर वर्कआउट कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका एब्डोमिनल पार्ट मजबूत होगा, जिसके कारण आप, अगर आपका ये मजबूत रहा ना तो दौड़ आराम से बनेगा, क्योंकि यहाँ से खींचने की शक्ति यहीं से होती है, आप स्टेप खोलते हैं तो ताकत यहीं से मिलती है, ये हमारा एकदम सेंटर है। अगर ये ख़राब रहा तो ऊपर भी ख़राब हो जाएगा और नीचे भी गड़बड़ रहेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करना, आपको प्रॉपर कोर वर्कआउट, पेट की एक्सरसाइज करनी है। और साथ ही साथ योगा में एक बेहतरीन एक्सरसाइज बता रहा हूँ, कपालभाति, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको कीजिएगा। इससे करने से क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है जब हम रनिंग करते हैं तो, ठीक है, सांस लिए तो फिर सांस लिए छोड़े, तो इसका रोल जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रनिंग के दौरान हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। तो अगर जब आप कपालभाति कीजिएगा ना तो वो अच्छे से ट्रेंड होगा, क्योंकि हमारा लंग्स जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं लेते हैं छोड़ते हैं तो फूलता पचकता है, तो उसका रोल बढ़ता है और उसके कारण उसका जो है उसका प्रैक्टिस भी होता है और साथ ही साथ उसका काम जो है वो अच्छे से डेवलप्ड होता है और अच्छे से वो कर पाता है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, ये कुछ टिप्स हो गए रनिंग के बाद। और क्या फॉलो कर सकते हैं, एक बहुत छोटा और कारगर उपाय आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जहाँ से आप अपने पेन को अच्छा कर सकते हैं, आफ्टर डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं, ब्रेन का जो आपका माथा दर्द रहता है उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर इस पार्ट पर स्टोमक का पेन जो होता है, पेट की दर्द, उसको उससे डील करने के लिए हेल्प होता है, या यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से मोड़ के रनिंग कर सकते हैं, या तो इस तरह से करके मोड़ के रनिंग कर सकते हैं। ये उनको फ़ायदा देगा जिनका मतलब फिटनेस ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है और आप ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक आपको आराम देखने को मिलेगा। बहुत बार आपने ये देखा होगा कि कोई कोई कोचेज़ क्या करते हैं कि यहाँ पर पत्थर दे देते हैं और पकड़ा के रनिंग करवाते हैं, तो उसके पीछे ये रीज़न होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट के चलते हमारा जो पेट की जो सारी नसें हैं वो सक्रिय हो जाती है अच्छे से, और वहाँ पर जो है जो टेंशन होता है या फिर दर्द होता है तो उसको थोड़ा सा ये मिलता है कि हाँ आपका काम का उपयोग लिया जा रहा है, आप थोड़ा अच्छे से हेल्प कीजिए बॉडी को रनिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा शिकायत होती है और ख़ास करके आप शाम में रनिंग करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं कि फाइबर रिच फूड जो आप ज़्यादा लेते हैं तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं या कम ले सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जैसे कि ग्रेन्स हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, ठीक है, ऐसा चीज़ों को आपको थोड़ा सा कम लेना है, जिसके कारण क्या होगा कि फाइबर क्या होता है कि थोड़ा डाइजेस्ट में थोड़ा टाइम लेता है, इसके कारण क्या होता है कि दर्द होता है, समझ रहे हो। ज़्यादा साइंटिफिक वे में नहीं समझा रहा हूँ, हिंदी में एकदम प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा सारा टिप्स एंड टेक्निक, ठीक है, क्यों होता है, क्या रीज़न है, सारा कुछ बेस्ट तरीके से बताया, इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हो ये बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहे और फोकस्ड नहीं रहे, आप रेगुलर प्रैक्टिस करने नहीं जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दौड़ जो है किसी का बाप का नहीं है, समझ रहे हो, मतलब कि जो प्रैक्टिस करेगा उसी का होगा, समझ रहे हो ना।
तो अच्छे से समझो, रेगुलरिटी मेंटेन करो, ग्राउंड में सप्ते में एक दिन का रेस्ट करो और उसके बाद हर दिन अपने रेगुलर मेहनत करो। पेट में दर्द देता है भाई, पेट में क्या, जांग में, घुटने में, हर जगह दर्द देता है। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो आपका सफ़र वहीं तक ख़त्म है। 80% 60% लोग गड़बड़ यहीं पर करते हैं। छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। अरे भाई, ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल है जिनसे 4 राउंड 2 राउंड चला नहीं जाता था। मेरे एकेडमी का खुद मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 4 राउंड दौड़ नहीं पाते थे। और अभी ऐसा है, देखिए आप एक फ़ोटो देखिए, हमारे एकेडमी का एक लड़का है डैनी, यहाँ देखिए फ़ोटो और यहाँ देखिए, यहाँ इससे 3 राउंड 4 राउंड दौड़ना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ अभी है, अभी 5:05 का टाइमिंग भागता है, 5:10 का टाइमिंग भागता है। तो सोचिए क्यों होता है ये, मेहनत, कंसंट्रेशन, अच्छे से और सही गाइडेंस में प्रैक्टिस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आप अच्छे से मोटिवेटेड रहिए और ये सारा टिप्स एंड टेक्निक को फॉलो कीजिए अगर आपका पेट में दर्द देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आओ। अगर अभी तक आपने ये वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने लिए, ठीक है। और अभी कितना टाइम हो रहा है एक बार आप बताइए, ये भी बताइए कि आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो देखूंगा कि वीडियो कहाँ तक जा पा रहा है, इंडिया पे जा रहा है या फिर इंडिया के बाहर भी जा रहा है, ठीक ना। तो ये सारे टिप्स एंड टेक्निक को फॉलो कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप डिसाइड कर सकते हैं खुद, कमेंट कीजिए, जिस पे ज़्यादा लगेगा कि क्वेरी हो रही है उस पे वीडियो बनाएगा आपका भाई, ठीक है, और आपका साथी, आपका दोस्त, बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, ठीक है। चलें, आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया होगा, तो जिस तरह से आप हमारे हर वीडियो को प्यार देते हैं वैसा ही प्यार दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक कीजिए, अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।